Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lead in the family. Credit cards and scams. India during the Mohrin period. इसके हम दो लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और दो लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने फर्स्ट लेक्चर में अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो भारत में आया और कहाँ पे उसकी डेथ हुई थी, तो बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई थी और उसको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर भारत से बाहर ढकेल दिया था और जाते जाते बेबीलोन में उसकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट हमने सेकेंड लेक्चर में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था कि ये कौन थे, तो मगध एम्पायर के एम्परर थे, ग्रेट एम्परर थे और इन्होंने नंदा जो एम्पायर था, नंदा एम्पायर को इन्होंने ख़त्म किया था अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की मदद से। देन हमने पढ़ा था एम्परर अशोका के बारे में। एम्परर अशोका जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और इनकी लाइफ से रिलेटेड हमने एक इंसिडेंट पढ़ा था जो कि था कलिंगा वॉर। कलिंगा वॉर में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हुआ था जिसकी वजह से जो एम्परर अशोका थे उनका जो हार्ट है वो पूरी तरह से चेंज हो गया और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी भी इसके बाद वॉर नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। और अशोका जो थे उन्होंने बुद्धिज़्म के लिए बहुत कुछ किया था और उनको एक टर्म से रिफ़र किया जाता है जो कि है देवानम पियो पियादसी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अशोका जो थे, एम्परर अशोका, उन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या क्या किया था। तो एम्परर अशोका लेड स्ट्रेस ऑन द क्रिएशन ऑफ द फैसिलिटीज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी जिसमें लोगों की भलाई हो सके। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ही मेड प्रोविजन्स फॉर फ्री मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर पीपल एज वेल एज फॉर एनिमल्स। तो एम्परर अशोका जो थे वो कंपैशन में बिलीव रखते थे, दया में बिलीव रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उसमें से एक काम ये था कि मेडिसिन जो है और मेडिकल ट्रीटमेंट लोगों के लिए उन्होंने फ्री कर दिया, लोगों के लिए भी, इंसानों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। तो अब यहाँ से पता चलता है कि जो अशोका थे उनमें एनिमल्स के लिए भी कंपैशन था। आगे हम देखेंगे एनिमल्स के लिए उन्होंने और भी कुछ चीज़ें की थी, ठीक है गाइस। अब उस टाइम पे मेडिसिंस क्या होंगे, उस टाइम पे जड़ी बूटियाँ वगैरह होंगी, ठीक है, या जो डॉक्टर्स वगैरह होते थे उनको भी सब के लिए इन्होंने फ्री कर दिया था। ही बिल्ट मैनी रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज फॉर शेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड। उन्होंने बहुत सारे रोड्स बनाए और रोड के दोनों साइड्स पे ट्रीज लगा दिए ताकि छाव आ सके। ही डग वेल्स एंड बिल्ट धर्मशालाज। उन्होंने बहुत सारे कुएं खुदवाए ताकि पानी की सुविधा हो सके और धर्मशालाज भी बनाए लोगों के रहने के लिए, जो पुअर पीपल हैं उनके रहने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूलिंग, ठीक है, राज करना। तो कैसे मौर्यन टाइम में एम्परर अशोका ने लोगों पर लोगों को एडमिनिस्टर किया, ये हम देखेंगे। अब इन्होंने क्या किया था, एम्परर अशोका जो थे, सबसे पहले तो वो कहाँ के एम्परर थे, तो मगध के, ठीक है। पाटलिपुत्र वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर मतलब मगध, तो मगध का कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र था, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू फोर रीजन्स ईच विथ इट्स ओन कैपिटल। अब इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये पूरा का पूरा अगर मगध है तो एम्परर अशोका ने मगध को डिवाइड कर दिया फोर पार्ट्स में। मगध को डिवाइड किया गया फोर पार्ट्स में। अब फोर पार्ट्स क्यों डिवाइड किए, उन्होंने चाहते तो वो पूरे इस पे राज कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, यहाँ इस पार्ट का मेन जो है एक पर्सन को दे दिया चलाने के लिए, इस पार्ट को चलाने के लिए दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर दिया, इसको और इसको, ऐसे ही अलग अलग पार्ट्स को चलाने के लिए अलग अलग पर्सन को अपॉइंट कर दिया, क्योंकि एक पर्सन जो है वो इतने बड़े से एम्पायर में ध्यान दे ये पॉसिबल तो नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग भागों में, अलग अलग कैटेगरीज में उसको बांट दिया पूरे एम्पायर को, और दूसरे लोगों को चलाने के लिए दे दिया, और ये क्या करते थे, इन पे नज़र रखते थे। अब उन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था अपने एम्पायर को, तो वह चार पार्ट्स कौन से थे, फर्स्ट पार्ट जो था वो था ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन में एक प्लेस आता था जिसका नाम था तोशाली, और ये जो तोशाली है वो आज का उसका नाम है उड़ीसा, ठीक है। फिर है सेकेंड पार्ट वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन में आता था उज्जैनी, जो कि आज है मध्य प्रदेश में, विद सेम नेम,
थर्ड है साउथर्न रीजन, साउथर्न रीजन में आता था सुवर्ण नगरी। ठीक है, सुवर्ण नगरी जो है आज है कर्नाटक में और इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका नाम है कनकगिरी। फोर्थ रीजन जो है हमारा वो है नॉर्दर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन में आता था तक्षशिला। तक्षशिला जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था उस टाइम के लिए और यहीं पे सारा यहाँ का एक्चुअली एक गुरुकुल हुआ करता था जो बहुत ही फेमस था उस टाइम पे, उसका नाम था तक्षशिला गुरुकुल। वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस से बच्चे जो है वो विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे। और जो तक्षशिला है आज कहाँ पे है, तो आज है ये पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है ये। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया है, देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच एडवाइज्ड द किंग इन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब अशोका के एम्पायर में क्या था, काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की, यानी बहुत सारे लोग एक साथ आते थे और वो किंग को एडवाइस करते थे। क्या एडवाइस करते थे कि उन्होंने अपने किंगडम में, सॉरी अपने एम्पायर में क्या क्या डेवलपमेंट्स करनी चाहिए। देयर वेयर मैनी ऑफिसर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। अब बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं, है ना। जैसे एक कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है, मान एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि एक कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है, सबसे बड़ा जो है वो बॉस होता है, उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे होता है मैनेजर, उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे होगा उसका असिस्टेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे नीचे नीचे होते जाएंगे। तो वैसे ही एम्पायर्स में भी, एक एम्पायर जो था अशोका का, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट डिफरेंट लोग काम कर रहे थे। देयर वॉज एन एफिशिएंट इंटेलिजेंस सर्विस विच केप्ट एन आई ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज। अब आपने सुना होगा कई बार कोई सीरियल्स में या पिक्चर्स में कि राजा जो होते थे बड़े बड़े, वो गुप्तचरों का इस्तेमाल करते थे, यानी गुप्तचर यानी ऐसे कुछ पर्संस जो छुप छुप के दूसरों के एम्पायर में जाके वहाँ का पता लगाते थे कि वहाँ पे हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा है ना, तो उन्हें गुप्तचर कहा जाता था। तो ऐसे ही कुछ लोग अशोका के एम्पायर में भी थे जो एनिमीज पे नज़र रखते थे, यानी दुश्मनों पे नज़र रखते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं इस बात का भी पता लगाते थे, ताकि कोई भ्रष्टाचारी ना कर पाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड में लोगों का जीवन कैसा था, लोगों की लाइफ कैसी थी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैड ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब मौर्य पीरियड में क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। एग्रीकल्चर तभी जो था वो सदियों से भारत में चला आ रहा था, सबसे पहली जो सिविलाइजेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन, तब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था और तब से ये बहुत आगे तक चलता आ रहा है, अभी तक भी चलता आ रहा है। और एग्रीकल्चर जो है वो लोगों का इस टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशन हैड ऑल्सो प्रॉस्पर्ड वेल। एग्रीकल्चर के अलावा जो ट्रेड है यानी व्यापार, उसका भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। देयर वेयर मैनी ऑक्यूपेशंस लाइक कार्विंग एंड एनग्रेविंग ऑन आइवरी, वीविंग एंड डाइंग क्लॉथ एंड मेटल वर्क। अब एग्रीकल्चर और ट्रेड के अलावा क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे, तो कार्विंग एंड एनग्रेविंग और आइवरी, आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत, तो उस टाइम पे हाथी के दांतों पे बहुत सारी कार्विंग की जाती थी, यानी उसको कुरेद के बहुत ही अलग अलग शेप्स बनाए जाते थे जिसको डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता था। वीविंग एंड डाइंग क्लॉथ, क्लॉथ्स को ये बुनते थे जिसको कहा जाता है वीविंग, एंड डाइंग यानी वो क्लॉथ्स को कलर करते थे, एंड मेटल वर्क, मेटल वर्क यानी मेटल्स, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के बड़े बड़े पिलर्स बनाना या फिर कुछ सजाने के लिए बनाना, ये सब भी तब बहुत फेमस था। ब्लैक ग्लेज्ड पॉटरी वॉज ऑल्सो प्रोड्यूस, ब्लैक कलर की और ग्लेज्ड यानी जो चमकने वाली है ऐसी पॉटरी यूज़ की जाती थी। पॉटरी का मतलब होता है पॉट्स, पॉट्स बनाए जाते थे। शिप बिल्डिंग वॉज कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। अब शिप बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे होती थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे अगर समुद्री मार्ग से जाना है हमें, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करना है, तो उस टाइम पे शिप्स का भी यूज़ किया जाता था। अगर बीच में जो समुद्री मार्ग आ रहा है तभी, तो शिप्स यानी जहाज़ जो है उनका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। इन मेटल वर्क द टेक्नोलॉजी और मेकिंग आर्टिकल्स ऑफ अदर मेटल्स एज वेल एज दोज ऑफ आयरन हैड डेवलप। अब मेटल्स वर्क, हमने देखा कि मेटल्स पे बहुत सारी चीज़ें ये लोग कुरेद कुरेद के बनाते थे और डिफरेंट डिफरेंट सजावट के सामान के लिए उसको यूज़ करते थे। अब ये जो मेटल्स हैं
वो यूज़ किए जाते थे, एज वेल एज आयरन जो है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, आयरन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब उस टाइम पे गोल्ड वगैरह के कॉइन्स यूज़ होते थे, सिल्वर के कॉइन्स यूज़ होते थे, तो गोल्ड और सिल्वर का भी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस वेयर सेलिब्रेटेड इन विलेजेस एंड टाउन्स। विलेजेस और टाउन्स में बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते थे, इस टाइम पे डांस भी होता था। यस, डांस एंड म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वेयर पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। अब यहाँ पे देखिए, उस टाइम पे भी डांस होते थे, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हुआ करते थे। रेसलिंग बॉट्स एंड चैरियट रेसेस वेयर पॉपुलर। यहाँ पे रेसलिंग बॉट्स, बॉट्स का मतलब होता है मुकाबला, तो कुश्ती लड़ते थे लोग और लोग बाकी के जो लोग हैं यानी ऑडियंस उनको देखने आते थे। चैरियट रेसेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। चैरियट क्या होता है आपको पता होगा कि राजा लोग जो होते हैं वो रथ में बैठते हैं ना, जैसे राम भगवान को भी आपने देखा होगा रथ में बैठते हैं वो, तो चैरियट का मतलब होता है रथ। चैरियट की तब रेसेस लगाई जाती थी, चैरियट रेसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और एंड सो वेयर बोर्ड गेम्स एंड चेस, और बहुत सारे बोर्ड गेम्स और चेस भी पॉपुलर थे उस टाइम पे। चेस जो है उसको एक स्पेशल नाम था, और चेस का नाम क्या था, अष्टपद। ये आपको याद रखना है कि उस टाइम पे चेस को चेस नहीं कहते थे बल्कि क्या कहते थे, अष्टपद कहते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्ट एंड लिटरेचर, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर अशोका द आर्ट ऑफ रॉक कट स्कल्पचर वॉज प्रमोटेड। अब उस टाइम पे एक आर्ट बहुत ही फेमस था जिसका नाम था रॉक कट स्कल्पचर। ये क्या होता था, जो बड़े बड़े से पत्थर होते हैं ना उनको काट पीट के ये लोग डिज़ाइंस बनाते थे उस पर, ठीक है, उनको काट पीट के घर बनाएंगे या डिज़ाइंस बनाएंगे, उसे कहा जाता था रॉक कट स्कल्पचर। तो ये उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और उस टाइम के कुछ स्कल्पचर्स आज भी हमें दिखाई देते हैं। द पिल्लर्स इरेक्टेड बाई अशोका आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंस ऑफ इंडियन स्कल्पचर। जो अशोका ने पिल्लर्स हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि उन्होंने क्या किया था, एक पिल्लर्स बनाया था, दिल्ली तोम भी है ऐसा ही इसका एक एग्जाम्पल। और उन पिल्लर्स पे क्या था, उनके बहुत सारे बुद्धिज़्म के टीचिंग्स लिखे हुए थे ताकि लोगों तक बुद्धिज़्म पहुँच सके। तो ऐसे जो पिल्लर्स अशोका ने बनाए थे वो बहुत ही एक्सीलेंट स्पेसिमेंस हैं, एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स हैं वो इंडियन स्कल्पचर के। देयर आर एक्सीलेंट कार्विंग्स ऑफ एनिमल्स लाइक द लायन एलिफेंट बुल ऑन द पिल्लर्स। तो पिल्लर्स पे लायन का एलिफेंट का बुल का फोटो था। एक ऊपर यहाँ पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं पहले। द ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन कैपिटल और पिल्लर हेड ऑफ द अशोका पिल्लर एट सारनाथ। अब अशोका का एक ऐसा ही पिल्लर सारनाथ में भी उन्होंने बनाया था, ठीक है। अब उस पिल्लर की खास बात यह है कि जो सारनाथ में पिल्लर था वहाँ पे जो पिल्लर का टॉप था, मान लीजिए ये पिल्लर है, तो पिल्लर के टॉप पे एक ऐसा इमेज था जो आज भी यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट जो है इंडिया का वो उस पिल्लर का टॉप जो है वो उसको यूज़ करता है एज द ऑफिशियल सील ऑफ इंडिया, इंडिया के ऑफिशियल सील के रूप में। तो अशोका पिल्लर हैज़ फोर लायंस। अब अशोका का जो पिल्लर था वो उसमें चार लायंस थे, ठीक है, फोर लायंस थे। ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बिलो ईच लाइन देयर इज़ अ व्हील और चक्र। अब हर एक लाइन के नीचे एक व्हील था या चक्र था जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं। यहाँ पे जो फोटो दिया हुआ है ना आपको बिल्कुल इसी की बात की जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे चार लायंस है, एक दो तीन, और एक लायन इसके पीछे, इसके जस्ट पीछे की तरफ भी एक लायन होगा। तो टोटल कितने लायन हो गए यहाँ पे, चार। और इन लायंस के नीचे आपको एक स्ट्रिप दिख रही है, ये पूरी स्ट्रिप, इस स्ट्रिप पे क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है, इसी को कहा गया है चक्र या फिर व्हील। वी कैन व्यू ओनली वन ऑफ दीज चक्रस एट अ टाइम। अब हमें क्या दिखेगा, अगर हम सामने से देखें तो हमें एक ही चक्र दिखेगा, वैसे आप इमेजिन करो कि इसके जस्ट पीछे भी एक चक्र होगा, है ना, और यहाँ पे एक चक्र है और यहाँ पे एक चक्र है, मतलब टोटल चक्र कितने हो गए, चार चक्र हो गए। देर इज़ अ हॉर्स ऑन वन साइड एंड अ बुल ऑन द अदर साइड ऑफ द चक्र। इस चक्र के एक साइड पे तो हॉर्स है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हॉर्स है, और दूसरे साइड पे जो है बुल का फोटो है। वैसे ही मैं आपको अपव हेड से बताती हूँ, जैसे ये वाला मैंने यहाँ पे बनाया है,
तो यहाँ पे चार चक्र है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। मैंने थोड़ा अपर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे चार चक्र है, एक साइड पे तो हॉर्स है, दूसरे साइड पे बुल है। वैसे ये जो दो बाकी खाली जगह रह गई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होंगे। तो यहाँ पे एक में था एलिफेंट और दूसरे में था लायन। सिमिलरली ऑन द साइड दैट इज़ नॉट इन व्यू ऑफ द सील देर इज़ एन एलिफेंट एंड लायन ऑन आइदर साइड ऑफ द चक्र। तो चक्र के आइदर साइड पे, एक साइड पे तो हॉर्स था, दूसरे साइड पे बुल था, तीसरे साइड पे लायन था, चौथे साइड पे क्या था, एलिफेंट था, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द चक्र और व्हील ऑन द अशोका पिल्लर एट सारनाथ हैज़ अ प्लेस ऑफ ऑनर ऑन द इंडियन नेशनल फ्लैग। अब जो व्हील था अशोका के इस पिल्लर पे, सारनाथ वाले पिल्लर पे जो व्हील था, वो व्हील जो है आपको कहाँ पे दिखता है, हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग में है ना, अशोक चक्र हमारे इंडिया के नेशनल फ्लैग में भी है। तो उन्हीं के अशोका के ही ऑनर में ये जो अशोक चक्र है उसको इंडियन फ्लैग में लगाया गया था। द पिल्लर हैज़ लायंस ऑन ऑल फोर साइड्स बट ओनली थ्री आर विजिबल फ्रॉम द फ्रंट। अब पिल्लर में लायंस चारों तरफ है, लेकिन अगर हम सामने से देखें तो हमें तीन ही लायंस दिखाई देते हैं। यहाँ पे फिगर में आप लोग देखिए हमें कितने लायंस दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ तीन ही लायंस दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक लायन पीछे भी है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो सामने से देखने पर हमें कितने दिखाई देंगे, सिर्फ तीन लायंस ही दिखाई देंगे, लेकिन एक्चुअल उसमें चार है। दिस इज़ द ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो सील है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल सील है। द केव स्कल्पचर्स ऑफ बराबर हिल्स कार्व्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका आर वेल नोन। दिस केव्स आर इन बिहार, दे आर द ओल्डेस्ट केव स्कल्पचर्स इन इंडिया। तो जो बराबर हिल्स ये जो है ये बिहार में है। यहाँ पे आपको इमेज दिया गया है, यहाँ पे यस, ये जो इमेज है ये है बराबर हिल्स का। और इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो स्कल्पचर है बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया था, और ये बहुत ही फेमस है अशोका के टाइम की। इसको कहा जाता है बराबर हिल्स। आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोका द मौर्य एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन। तो जब अशोका की डेथ हो गई उसके बाद मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्य एम्पायर का विनाश होने लगा, वो ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। आफ्टर द मौर्यास मैनी न्यू स्टेट्स एंड सम एम्पायर्स ऑल्सो इमर्ज्ड इन इंडिया। तो जब मौर्य एम्पायर ख़त्म होने लगा तो बहुत सारे न्यू एम्पायर्स भी इंडिया में जन्म लेने लगे। द मौर्य एम्पायर वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में ये सबसे बड़ा एम्पायर था, ठीक है। इसके बाद जितने भी एम्पायर्स आए या इसके पहले जितने भी एम्पायर्स आए वो सब इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थे। तो ये क्या था, सबका बाप था। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल डिस्कस द पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग्स इन द पोस्ट मौर्य पीरियड। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल और कल्चरल क्या क्या चीज़ें हुई थी पोस्ट मौर्य पीरियड में, यानी मौर्य एम्पायर के बाद में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से एम्पायर आए और कैसी कैसी इंडिया का पूरा व्यू था, ठीक है गाइज। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझा है तो हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन, ठीक है गाइज। ये वीडियोस जो है ये हर एक बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए। एंड अगर आपको समझना है तो एक थम्स अप बनता है कमेंट सेक्शन में। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय स्टडिंग। इसका मुस्का।